हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 10 ए ऑफ क्लास 6 आर एस अग्रवाल मैथ टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन इज मिसेस सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स एंड अर्न्स रुपए एंड रुपए 10500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट में दिया है मिसेस सहाय इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम सेकंड में दिया है मिसेस सहाय इनकम टू हर हस्बैंड्स इनकम थर्ड में मिस्टर इनकम टोटल इनकम ऑफ द टू तो यहां पर मिस्टर सहाय की इनकम दी हुई है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड से लिख लेते हैं 16, income, कितना अर्न करती है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो रुपए टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब टोटल इनकम दैट मीन्स मिस्टर सहाय एंड मिसेस सहाय दैट मीन्स हिज वाइफ उनकी टोटल इनकम क्या होगी बोथ द इनकम्स विल बी एडेड इन्हें ऐड कर लेंगे प्लस इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी रुपए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो यहां दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट में दिया है मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम तो मिस्टर सहाय की जो इनकम है और उनकी जो वाइफ दैट मीनस मिसेस सहाय उनकी इनकम का रेशियो फाइंड करना है दैट मीन्स मिस्टर सहाय की इनकम को डिवाइड करना है उनकी वाइफ की इनकम से तो आइए फर्स्ट फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ इनकम इक्वल टू होगा मिस्टर सहाय की इनकम क्या है रुपए सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड इज टू ये रेशियो का साइन है हिज वाइफ्स इनकम दैट मीन्स मिसेस सहाय इनकम रुपए टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे दोनों की यूनिट सेम है तो यहां जो नंबर है वो लिख लेंगे सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अपॉन टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके बाद इन्हें डिवाइड करेंगे तो या तो सीधे एस लेके डिवाइड कर सकते हैं या फिर जो भी नंबर हमें समझ में आता है कि इससे ये डिजुल हो जाएंगे दोनों उससे स्टेप बाय स्टेप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे जैसे दोनों ही हंड्रेड से डिजुल हैं यहाँ भी दो जीरो आ रहे हैं यहाँ भी दो जीरो आ रहे हैं तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा वन अभी भी दोनों किससे डिजुल हैं दोनों ही थ्री से डिजुल हैं तो इन्हें थ्री से डिवाइड करके देखते हैं तो वन सिक्सटी एट डिवाइडेड बाय थ्री और 105 है इसे भी हम थ्री से डिवाइड कर देते हैं तो 168 को थ्री से डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा और 105 को थ्री से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा अभी भी दोनों 56 और 35 दोनों ही दोनों किससे हैं? सेवन से डिवाइड हो जाएंगे तो 56 को भी सेवन से डिवाइड कर देते हैं और 35 को भी सेवन से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आएगी एट अपॉन फाइव ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया फ्रैक्शन का अब इसे रेशियो में लिख सकते हैं एट इज टू फाइव दैट मीन्स रेशियो ऑफ मिस्टर इनकम टू हिज इज एट इज टू फाइव अब सेकेंड में दिया है मिसेस सहाय इनकम टू हर हजब इनकम अब इस बार मिसेस सहाय इनकम टू हर हजब इनकम फाइंड करना है तो पहले हम मिसेज सहाय की इनकम लिखेंगे उसके बाद उनके हस्बैंड दैट मीन्स मिस्टर सहाय की इनकम लिखेंगे और उनको डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाइड जो वैल्यू आएगी वो रेशियो होगा तो आइए सेकेंड भी सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर मिसेज सहाय की इनकम को पहले लिखेंगे तो मिसेज सहाय की इनकम है रुपये टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और रेशियो में लिखना तो इस टू का साइन और हर हजबैंड इनकम दैट मीन्स मिस्टर सहाय इनकम तो ये यहाँ पर होगा रुपए सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अब यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अपान सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहाँ दो जीरो है और नीचे भी दो जीरो मतलब हंड्रेड से दोनों डिजल हो जाएंगे और वैल्यू आएगी वन हंड्रेड फाइव अपान वन हंड्रेड सिक्सटी एट अब जैसे वन हंड्रेड सिक्सटी एट अपान वन हंड्रेड फाइव था यहां पर वन हंड्रेड फाइव अपान वन हंड्रेड सिक्सटी एट है दैट मीन्स दोनों ही थ्री और सेवन दोनों से डिजिबल्स यहां पर हम इनका एस सी एफ देखेंगे तो यहां पर 105 और 168 हंड्रेड सिक्सटी एट थ्री और सेवन दोनों से डिजबल है दैट मीन्स वन हंड्रेड फाइव को भी हम ट्वेंटी वन से डिवाइड करेंगे और 168 को भी हम ट्वेंटी वन से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां पता चल चुका है कि इससे दोनों से है अब जब ट्वेंटी डिवाइड करेंगे तो यहां वैल्यू आएगी फाइव और वन सिक्सटी एट को ट्वेंटी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी एट इसे रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं फाइव इज टू एट इस तरह से मिसेस सहाय की इनकम और उनके हस्बैंड की इनकम का रेशियो क्या है फाइव इज टू एट अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं मिस्टर सहाय की इनकम और टोटल इनकम का रेशियो तो टोटल इनकम हमने यहां फाइंड कर लिया टोटल इनकम क्या है रुपए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और मिस्टर सहाय की इनकम क्या है रुपए सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं तो ये वैल्यू होगी मिस्टर सहाय इनकम क्या है रुपए सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड टू द टोटल इनकम ऑफ द टू तो टोटल to इनकम क्या है यहाँ रेशियो का सिंबल और टोटल इनकम है रुपए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे दोनों जगह सेम यूनिट है रुपए रुपए तो रुपए नहीं है यहां पर हम लिखेंगे 16, upon, second quantity क्या है 27, तो यहां पर दोनों के लास्ट में जीरो जीरो है दैट मीन्स हंड्रेड से डिजॉल्व हो जाएंगे दोनों तो यहां हम लिख सकते हैं वन सिक्सटी एट अपान टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ही हम थ्री से डिवाइड करेंगे दोनों ही थ्री से डिजिबल हैं तो थ्री से डिवाइड कर लेते हैं 168 को भी थ्री से डिवाइड करेंगे और 273 को भी थ्री से डिवाइड करेंगे तो जब हम 168 को डिवाइड करते हैं थ्री से तो 56 आता है और 273 को थ्री से डिवाइड करने पर यहां वैल्यू मिलती है 91। फिर से दोनों सेवन से डिजिबल हैं, तो इन्हें सेवन से डिवाइड कर लेते हैं तो फिफ्टी डिवाइडेड बाई सेवन एंड नाइन्टी वन डिवाइडेड बाई सेवन तो सेवन से डिवाइड करेंगे तो यहां पर वैल्यू मिलेगी एट अपॉन थर्टीन और इसे रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं एट इस दैट मीन्स मिस्टर सहाय इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू इनका रेशियो क्या है एट एज टू थर्टीन इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर में हमें थ्री रेशियोज फाइंड करने थे और हमने उन तीनों रेशियोज को फाइंड कर लिया है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव। रोहित अर्स रुपए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेव्स रुपए वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर पर मंथ फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट में दिया हिज इनकम एंड सेविंग हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग तो रोहित पर मंथ कितना अर्न करता है रुपए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड दैट मींस उसकी इनकम क्या है रुपए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेविंग कितनी करता है रुपए वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर अब यहां पर हमें थ्री रेशियो फाइंड करने हैं एक रेशियो में एक्सपेंडिचर भी फाइंड करना है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो तो हमें एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा रोहित जितना भी अर्न करता है यानी उसकी जो भी इनकम है उसमें से सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा एक्सपेंडिचर मतलब खर्च तो जब सॉल्व करेंगे तो उसकी इनकम हम पहले से लिखेंगे उसकी सेविंग क्या है वो लिखेंगे और एक्सपेंडिचर क्या है ये भी लिख लेंगे उसके बाद इजली हम रेशियो फाइंड करेंगे तो पहले लिख लेते हैं सभी को रोहित इनकम रोहित अन्न कितना करता है रुपए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इज सेविंग सेविंग दिया हुआ है वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर रुपए तो यहां लिखेंगे रुपए वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर एक्सपेंडिचर मंथली वो कितना खर्च करता है कितना एक्सपेंडिचर उसका है तो जो उसकी इनकम है उसमें से सेविंग को सेपरेट कर देंगे दैट मीन्स रुपए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड माइनस रुपए वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर तो जो डिफरेंस मिलेगा वो एक्सपेंडिचर होगा तो ये वैल्यू आती है रुपए फोर्टीन थाउजेंड सेवेंटी सिक्स रुपए फोर्टीन थाउजेंड सेवेंटी सिक्स अब हम तीनों ही रेशियो को फाइंड कर सकते हैं तो फर्स्ट में दिया है हिज इनकम एंड सेविंग रेशियो ऑफ हिज इनकम एंड सेविंग तो इनकम क्या है रुपए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब रेशियो में कैसे लिखते हैं फर्स्ट नंबर या फर्स्ट क्वांटिटी फिर ये इस टू का साइन ये सिंबल और उसके बाद सेकंड क्वांटिटी तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या हैज इनकम और सेकंड क्वांटिटी में उसकी सेविंग लिखनी है सेविंग है यहाँ पर रुपए वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर अब दोनों ही क्वांटिटी सेम यूनिट में है यहां भी रुपए है तो यहां भी रुपए है तो इन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अपान 1224. अब इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद दोनों ही क्वांटिटीज़ को दैट मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही उनके एस से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम दोनों का एस फाइंड करेंगे तो एस आप रफली सॉल्व कर लेंगे आप चाहें तो शो कर सकते हैं यहाँ पर और ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है तो चलिए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर का एस फाइंड करेंगे तो इसके लिए पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का ये सेवनटीन आ गया यहाँ पर और ये टू टू तो हम लिखेंगे टू इंटू टू थ्री के पेयर बन रहे हैं क्या ये एक पेयर बना और एक पेयर ये बना दैट मीन्स थ्री इंटू थ्री और ये एक पेयर सेवनटीन का बना तो यहाँ पर एच की वैल्यू आएगी तो इसको सॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट आता है सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व दैट मीन्स इन दोनों का स्टीएप क्या है सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व यानी बोधल्वी सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व तो इन्हें हम यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व से डिवाइड कर लेते हैं तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर देने से फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता वो इक्वलेंट फ्रैक्शन ही होता है तो यहाँ हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही उनके एस से डिवाइड करना है So, when we divide this 15300 by 612, we get here 25. And in upon, when we divide this 1224 by 612, we get here 2. So, this is the simplest fraction form. Now, write it in ratio as 25 is to 2. So, ratio of रोहित इनकम एंड सेविंग इज ट्वेंटी फाइव इज टू नाउ लेट्स फाइंड द सेकेंड रेशियो हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सेकेंड में हमें रोहित की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड करना है तो so इसकी वैल्यू क्या होगी इनकम क्या है इनकम है फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो यहाँ हम लिखेंगे रुपए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब रेशियो फाइंड करना है तो यहां पर हम इस टू का सिंबल लगाएंगे रेशियो के लिए लगाते हैं तो फर्स्ट क्वांटी और सेकंड क्वानिटी क्या एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या आई है रुपए फोर्टीन थाउजेंड सेवेंटी सिक्स तो यहाँ लिखेंगे रुपए फोर्टीन थाउजेंड सेवेंटी सिक्स अब यहाँ पर दोनों ही क्वांटी रुपए में दी है दैट मींस दोनों की यूनिट सेम है तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अपान फोर्टीन थाउजेंड 76 now we will divide this numerator and denominator by their scf so roughly we can find the scf and after finding this scf we will divide both the terms so scf of 15300 and 14076 is is again 612 so when we divide both the term by 612, we get here as we get here 25, and in denominator, when we divide, we get here 23. So, it is the simplest fraction form. Now, write it in ratio as 25 is to 23 so the ratio of his income and expenditure is 25 is to 23 this is the answer now we have to find the third ratio ratio of his expenditure and saving now let's find ratio of his expenditure and saving we can write it as expenditure is here we have written it as 14000

after division in numerator we get 23 and in denominator we get here 2 so in ratio we can write it as 23 is to 2 is to 2 so we can write it in ratio as 23 is to 2 in this way we have solved this question number 5 and we find all three ratio the first ratio is 25 is to 2 second is 25 is to 23 and third is 23 is to 2. two.